नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। वही बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत दर्ज करी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीएसपी पार्टी के साथ होता तो शायद ये 37 का आंकड़ा 60 को भी छू सकता था। दरअसल यहाँ पर देखिए, मायावती एक भी सीट जीतने में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के वोट काटने में जरूर कामयाब होती नजर आई हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा की, और आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी गठबंधन में आती दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव को साफ पता चल चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है तो दलितों का साथ जरूर लेना पड़ेगा। और जब दलितों के नेताओं की बात आती है तो मायावती का नाम सबसे पहले आता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन करते नजर आएंगे या फिर नहीं। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ इस समय मौजूद है नाजमीन। नाजमीन, जिस स्थिति से अगर देखा जाए, अखिलेश यादव को भारी झटका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगता दिखाई दिया। यहाँ पर 37 सीटें तो भले ही देखी उन्होंने जीती, लेकिन अगर मायावती के साथ गठबंधन होता तो शायद ये 60 का आंकड़ा हो सकता था, क्योंकि बताया जा रहा है जो 20 सीटें हैं उन पर अखिलेश यादव की जो हार हुई है मात्र 10,000, 15,000, 20,000 के अंतर से हुई है। अब ऐसे में अगर दलितों का भी साथ मिलता तो शायद इन सीटों पर भी अखिलेश यादव जीत दर्ज कर लेते, और जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ बीजेपी की सरकार बनी है वो सरकार नहीं बन पाती। क्या ये गलती दोबारा अखिलेश यादव करते नजर आएंगे? देखिए तनुज, अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन अगर गठबंधन होता तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होता हुआ नज़र आता। ये खुद गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने ये बात कही थी। अफजाल अंसारी ने तो ये तक कह दिया था कि मायावती साथ में आती तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 105 सीटों का नुकसान होता हुआ नज़र आ सकता था। और ऐसे में देखा जाए तो वही दावा अफजाल अंसारी दूसरे ट्वीट के माध्यम से भी करते हुए नज़र आए थे, जब उन्होंने ये कह दिया था कि गठबंधन विधानसभा 2027 से पहले यहां पर मायावती और अखिलेश यादव को कर लेना चाहिए। इससे पहले भी मायावती दो बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आई है। और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर जिस तरीके से मायावती की छवि की बात करें तो मायावती पहले यहां पर दलितों के लिए मसीहा कही जाती हैं, पिछड़े वर्गों के लिए काम करती हैं, और वही कहा जाए तो उन्होंने अपनी पार्टी का गठन भी इसी आधार पर किया। सदन के अंदर भी उनकी आवाजों को उठाती हुई नजर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो हमेशा से घेरती हुई नजर आई है। लेकिन 2024 से पहले जो मायावती थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौतियां देती थी, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलती हुई नजर आती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर तक घेर लेती थी और आरक्षण के मुद्दों के तहत यहाँ पर चुनौतियां देती थी कि आखिरकार आप जातीय सर्वेक्षण क्यों नहीं करवाते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं कि हमने उस वर्ग के लिए इतना काम किया है, हमने पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिलवाया है, लेकिन अगर आप जाति आधारित सर्वे कर लेंगे तो उस पर तय हो जाएगा कि किस राज्य में किस वर्ग के कितने लोग रहते हैं और कितनी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। ये मुद्दा सदन के अंदर मायावती उठा चुकी हैं और ये मुद्दा विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब वो मायावती नजर नहीं आती हैं, मायावती बिल्कुल अलग नजर आती हैं। 2024 में डरी सहमी हुई सी दिखाई देती हैं, कहती हैं कि अकेले चुनाव लड़ूंगी। अकेले चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहती हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर सदन के अंदर अभिभाषण था, उस दौरान वो राष्ट्रपति पर ही फायर हो जाती हैं और कहती हैं कि उनके अभिभाषण में कोई ऐसी दम वाली बात नजर नहीं आती जिसके तहत कहा जा सके कि उन्होंने कोई काम की बात कही हो। और इससे पहले भी मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी नजर आई हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर अपने ही भतीजे पर एक्शन ले लेती हैं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाती हैं, अपने ही सांसदों को पार्टी से निकालती हुई नजर आती हैं। तो तनुज, इस आधार पर कहा जा रहा है कि जहाँ सपा जो सीटों पर नुकसान झेलती हुई नजर आई, अगर बसपा के साथ होती तो कहीं ना कहीं जो 37 से वो 60 भी हो सकता था, वो 60 से ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन देखा जाए तो मायावती ने इनकार किया, इसलिए सपा ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को भी फायदा होता हुआ नजर आया। ये नहीं भूल सकते कि जो अमेठी सीट स्मृति ईरानी ने इनसे छीन ली थी कांग्रेस पार्टी से, वो अमेठी सीट फिर से इनके हाथ में आ जाती है, कांग्रेस पार्टी के पाले में आ जाती है। तो सपा ने फायदा पहुँचाया है, अगर सपा के साथ बसपा जुड़ती तो फायदा होता,
सीटें बढ़ती, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा की कमियों की वजह से ही सपा को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से अफजाल अंसारी कह रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी के और तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन कर लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती एक बार फिर से विचार करती हुई जरूर नजर आएगी। बिल्कुल नाज़नीन, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने जिक्र करा आकाश आनंद का, बात में अगर आकाश आनंद की करूँ, मायावती तो चलिए बीजेपी पार्टी पर हमला नहीं बोल रही है, लेकिन आकाश आनंद तो देखिए जमकर हमला बोलते नजर आए, और शायद यही कारण भी रहा कि आकाश आनंद पर बीएसपी पार्टी की तरफ से एक्शन हुआ। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की सरकार बता दिया, आतंकवादियों की पार्टी बता दिया, और अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं एक जो होता है कि भाई ये लड़का कुछ कर सकता है राजनीति के अंदर, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये प्रभाव देखा गया। और अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर यह भी कहा था कि ये आगे की राजनीति में बहुत आगे जाते दिखाई देंगे, और इन्होंने जो कहा वो सही कहा। तो क्या आकाश आनंद ही वो कारण बनेंगे कि बीएसपी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन होता नजर आएगा, क्योंकि अब पार्टी की जो बागडोर है वो आकाश आनंद के हाथों में, पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो क्या आपको दिखाई देता है कि आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं मायावती को मनाते नजर आएंगे? यहाँ पर एक उम्मीद जैसे कहते हैं कि जगती हुई नजर आती है, और वो उम्मीद आकाश आनंद के तहत देखी जा रही है। एक तो युवा चेहरे हैं और वो भी दलितों के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं कि वो एक मंझे हुए नेता है, और मुझे लगता है कि वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जरूर जीतेंगे। आकाश आनंद ने ये बात कही थी, मायावती बेशक अलग नजर आई, लेकिन आकाश आनंद ने मीडिया के सामने ये बात कह दी थी, और यही बात सच साबित होती हुई नजर आई। और आकाश आनंद जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर अपने बड़े भाई के रूप में उन्हें देखते हैं, तो ऐसे ही अखिलेश यादव भी उन्हें छोटे भाई के रूप में देखते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आकाश आनंद जरिया बन सकते हैं सपा और बसपा के गठबंधन का। अब राजनीति की शुरुआत तो मायावती ने करवा ही दी है, पहले यहाँ पर दो जिम्मेदारियां दी गई, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी पद सौंपना, उसके बाद यही दो जिम्मेदारियां छीनना, कहीं ना कहीं सुर्खियों में लाना था आकाश आनंद को। तभी आकाश आनंद ने ये तक भी कह दिया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो फैसला लेंगी वो सही लेंगी, और फैसला सही लिया भी, दोबारा से यहाँ पर दोनों पद दे दिए, मायावती ने दोनों जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी। और इसी के तहत देखा जा रहा है कि आकाश आनंद खुद यहाँ पर जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इन 10 सीटों में से किसी न किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि बसपा सपा को फायदा पहुंचाती हुई नजर आए, सपा बसपा को फायदा पहुंचाती हुई नजर आए, और 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उस गठबंधन में ज्यादा सीटें इनके खाते में होंगी। जैसे कि 10 सीटों की मैं जिक्र कर रही हूँ, 7 सीटें ऐसी जिन पर अखिलेश यादव अपने विधायकों पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो फेरबदल यहाँ पर होता हुआ नजर आया था, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, मनोज पांडे की बात करें, आशुतोष की बात करें, पूजा पाल की बात करें, इसके साथ कई और विधायक भी मौजूद हैं, तो इन विधायकों पर अगर एक्शन हो गया, कार्यवाही हो गई, तो 10 से 17 सीटें हो गई, और 3 सीटों और इसके साथ साथ 2 सीटें बता दें कि यहाँ पर एक तो ऐसे विधायक हैं जो सलाखों के पीछे भी नजर आए, तो उस पर भी चुनाव होता हुआ नजर आएंगे। तो कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जो सपा के खाते में हैं, सपा की जिताऊ सीटें हैं, तो इन सीटों पर जीत तो कहीं ना कहीं सपा खुद कह रही है कि वो हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि 5 विधानसभा सीट उनके पास, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी से भी वो सीटें कहीं ना कहीं खींचते हुए नजर आ जाएंगे। तो बसपा और सपा की ये सीटें बढ़ेंगी, और इसी के साथ साथ 2027 के चुनाव में इन सीटों के आधार पर विधानसभा चुनाव जीतना भी काफी आसान हो जाएगा। इसलिए सभी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि मायावती को तो अब गठबंधन कर लेना चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है, जैसे कि आपने कहा कि आकाश आनंद के जरिया होंगे, तो जहां तक मुझे लगता है कि वो हो सकते हैं, और मायावती उनके समझाने पर या उनकी कोशिशों के जरिए गठबंधन करती हुई भी जरूर नजर आए। जी बाकी में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर आकाश आनंद क्या मायावती को मनाते हुए नजर आएंगे, क्या मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, और अभी ये सीटें देखिए बढ़ भी सकती हैं, 17 भी हो सकती हैं, और भी यहाँ पर जैसे कि नाज़मीन ने बताया कुछ ऐसे नेता हैं जो जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे, उनकी सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कई सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या इन उपचुनावों में यहाँ पर मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन दिखाई देगा, या फिर यह गठबंधन सीधे उत्तर प्रदेश की 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई देगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।